Fixed range. Okay. नहीं, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोल, आप रीड कर ले। हाँ Samsung has reduced the European prices of its range of 4K TV by up to €1,200. This was in response to the price cuts by other manufacturers. But Samsung reduction were largely an attempt to increase market share. Market penetration is all post possible strategies in the MSOC matrix because there are fewer unknowns. The market and product parameters both remain the same. However, it is not the risk free if low prices are reduced or the method used to penetrate the market. They could lead to a potentially damaging price war that reduces the market margin, profit margins of all firms in the industry. हाँ, ये बताया था ना लास्ट टाइम कि जब आप आपका प्रोडक्ट बहुत जेनेरिक हो और बहुत सारी कंपनीज या फर्म ऑफर कर रही हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, और आपने भी उस मार्केट के अंदर एंटर होना है, तो लाजमी बात है आप लो प्राइस के साथ एंटर हो, तो ताकि आपको जगह मिल जाए ना, ताकि उस मार्केट का जो कस्टमर है जो ऑलरेडी प्राइस पे कर रहा है, यानी अगर 100 रुपीज़ आइटम के साथ पे कर रहा है तो आप 80 रुपीज़ के साथ एंटर हो जाए। जैसे ये अक्सर आपने स्कूल्स का सुना होगा, स्कूल्स एक जेनरिक प्रोडक्ट है, तो जहाँ पे बहुत सारे स्कूल ओपन हो तो वहाँ पे आप इंटर हो जाते हैं, आप अनाउंसमेंट करते हैं नो एडमिशन फीस, ठीक है, और नो एडमिशन फीस समटाइम आप कहते हैं जी, अच्छा मार्केट में जो ऑलरेडी जो सराउंडिंग में स्कूल होते हैं जो फीस ऑफर कर रहे होते हैं उससे लो लो फीस पे आप इंटर हो जाते हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे कस्टमर या क्लाइंट्स वो आपके स्कूल की तरफ आ जाएंगे जो उन स्कूलों का अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो कोई ना कोई बेनिफिट लेने के लिए वो आपकी तरफ आ जाए। प्रोडक्ट अगर जेनरिक होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा और आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है उसी तरह का जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको जगह बनाने के लिए कोई ना कोई ऑफर दे के या लो प्राइस के साथ एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जगह नहीं मिलेगी। हाँ, फिर ये होता है कि प्राइस वॉर शुरू हो जाती है, आपने प्राइस कम की तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी प्राइस कम कर सकते हैं अगर वो देखते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बेसिकली मार्केट में एंटर करने के हाँ, बस अगर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो ग्रेजुअली फिर आप अपना प्रोडक्ट प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ग्रोथ की तरफ जा रहे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट द लॉन्च ऑफ हैं। डाइट पेप्सी टुक एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलप्ड इन इट इनटू अ स्लाइटली डिफरेंट वर्जन एंड सोल्ड इट इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट वेयर पेप्सी वाज ऑलरेडी अवेलेबल. Product development often involves innovation, as with 5G mobile cell phones, and these brand new products can offer a distinctive identity to the business. Market development. ठीक Market है, प्रोडक्ट development. डेवलपमेंट में आ गया आपको, हाँ इसमें बेसिकली ये नया, अब आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ही हैं, ठीक है, जी जी और आप प्रोडक्ट्स यानी क्या कहते हैं कराची मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लेकिन नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया ताकि आपको फर्दर मार्केट शेयर मिले, लेकिन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उसी एग्जिस्टिंग मार्केट, ये ऊपर चार्ट बना ना याद है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह, जी न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, ठीक है, मार्केट एग्जिस्टिंग है और ठीक है, ताकि आप रिमेन कॉम्पिटेटिव रहें। अच्छा. मार्केट डेवलपमेंट कुड इंक्लूड एक्सपोर्टिंग गुड्स टू ओवरसीज मार्केट्स और सेलिंग टू न्यू मार्केट सेगमेंट. ल्यूकोजिड यूज्ड टू बी प्रमोटेड एज अ हेल्थ टॉनिक फॉर पीपल With colds and influenza. It was successfully repositioned into the sports drink market, appealing to new weight, younger range of customers. Dell or HP can use existing business computer systems and repackage them for sale to consumer markets. हाँ, मतलब न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंदर लॉन्च कर, तो यहाँ पे जैसे चार्ट बना हुआ है, मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट वही होगा और नई मार्केट में आपने लॉन्च कर, ताकि आपका मार्केट पर्पज वही है कि मार्केट शेयर आपने इंक्रीज कर, अब डाइवर्सिफिकेशन। Diversification. The Virgin Group is constantly seeking new areas for growth. The company's expansion from a media empire to an airline, where then a train operator, and more recently into finance, is an excellent example of diversification.
Tata Industries in India is another good example of a very diversified business manufacturing a huge range of products from steel and cars to tea bags. Related diversifications, for example, backward, forward, vertical integration in the same industry can be less risky than unrelated diversification, which takes the business into a completely different industry. As the diversification strategy involves new but challenges in both markets and products, it is the riskiest of the four strategies. It may also be a strategy that is outside the core competencies of the firm. However, diversification may be a possible option if the high risk is balanced out of the chance of high profits. Another advantage of diversification is the potential to gain a foothold in an expanding industry. इसका मतलब पहले भी आपको मैंने बताया था कि मार्केट में नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, यानी आपको ना मार्केट का एक्सपीरियंस है ना प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है। ठीक, जैसे अगर कोई, अगर आपका पहले से बैंक का बिजनेस है तो आपने इंश्योरेंस में इंटर हो, ठीक है, तो इसलिए उसकी मार्केट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है। तो ये होता है, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम आपने सुना होगा, पहले वो अपने आप को जिसके अंदर कोर कॉम्पिटेंट होते हैं वो उसके अंदर अपने आप को बेटर कर लेते हैं, तो उसका उन्हें फील होता है कि ये प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, अगर हम एक ही प्रोडक्ट पे बेस करेंगे तो वो हमारे लिए रिस्की हो सकता है, कल का वो अगर वो टेक्नोलॉजी बेस है तो ऑब्सोलीट हो सकता है। तो हमें अदर बिजनेस में भी ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि अगर एक बिजनेस लॉस में जा रहा है किसी भी वजह से, रिसेशन की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम हमें दूसरे बिजनेस से पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी, एज ए ग्रुप ऑफ कंपनी जो काम कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि अपने मेन प्रोडक्ट्स, अदर देन मेन प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं टू द मार्केट। अब इसकी एवेल्यूशन को देखने क्विकली, Evaluation of ends of matrix. The risks involved in these two strategies differ substantially. By identifying the different strategic areas for business expansion, the matrix allows managers to analyze the degree of risk associated with each area. Managers can then apply decision-making techniques to assess the cost, potential gains, and risks associated with all options. While in-source analysis helps to map the strategic business options, it also has limitations. It only considers two main factors in the strategic analysis of a business. Options, it is important for managers to also consider SWOT and risk analysis in order to give a more complete picture. Recommendations based purely on the ends of matrix would lack important environmental evidence. Management judgment based on experience of the risk and returns from the four options is just as important as any one analytical tool for making the final choice. The matrix does not suggest detailed marketing options if a market development strategy is used by की आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ, अब आ रही, आपकी आवाज रुकी। अच्छा इफ अ मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय द बिजनेस द मैट्रिक्स इज नॉट इंडिकेट इन व्हिच मार्केट एंड विद व्हिच ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स फर्दर रिसर्च एंड एनालिसिस विल बी नीडेड टू सप्लाई आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आप तो बस ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने मेनली आपने स्वैट भी कर लिया, प्राइस एनालिसिस भी कर लिया, ठीक है, इससे आपको यानी कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है कि आपने किस मार्केट में एंटर होना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है या न्यू मार्केट लॉन्च करनी है, या एग्जिस्टिंग मार्केट में ही लो प्राइस के साथ मेंटेन करके रखना है प्रोडक्ट या डाइवर्सिफिकेशन जाना है। तो लेकिन एंसर आपको ये बहुत सारी चीज़ें लैक कर रहा होता है, यहाँ पे बताया द मैट्रिक्स डज नॉट सजेस्ट रिटेल मार्केटिंग ऑप्शन, ठीक है, ये सजेस्ट नहीं कर रहा। इनसे पहले आपको ना स्वैट एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस को परफॉर्म कर लेना, फिर आपको ये नहीं चॉइस की तरफ स्ट्रेटी, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है और उसके बाद स्ट्रेटेजिक चॉइस है, चॉइस के बाद अपने क्या कहते हैं, स्वॉट एंड बेस्ट चॉइसेस एंड फिर मैट्रिक्स एनालिसिस नहीं, जो स्वॉट और पेस्ट दोनों एनालिसिस, ठीक है, ये दोनों क्या है, एनालिसिस। फिर हमने एक पीछे पढ़ा था स्ट्रेटेजिक, क्या बोलते हैं, पहले एनालिसिस होता है उस, फिर होता है चॉइस, तो इसके अंदर आपके पास ये आ जाता है कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, और ये हमने ये भी पढ़ा था ना फोर्स, क्या कहते हैं उसको,
फाइव फोर्सेस एनालिसिस, ठीक है, पोर्टर फाइव फोर्सेस, ये बेसिकली मेन, देर आर थ्री टूल्स में जो आपको एनालिसिस के अंदर वर्कआउट करते हैं, एक तो स्वाट हो गया, ठीक है, पेस्ट हो गया, और दूसरा ये फाइव फोर्सेस, ये सारे फाइव फोर्सेस एनालिसिस जो वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, सर और कॉम्पिटेटिव राइवल भी, ठीक है, वो पीओसी का पार्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे, फिर आपका चॉइस कोर कॉम्पिटेंसीज, ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप यानी किसके अंदर बेटर हैं, सबसे जिसके अंदर बेस्ट हैं वो प्रोडक्ट ऑफर करें, और उसके बाद ये जो है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, ठीक, एंड सॉफ्ट मेंटली, ओके, चलिए अब आ जाते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस। अच्छा फर्स्ट बी एनालिसिस इसके अंदर आपने, जैसे हाँ, अब आपने क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़ाहिर आपके पास कोई ना कोई डेटा भी होना चाहिए, क्योंकि अब तक यानी वो तो अब तक क्वालिटेटिव डेटा था, तो क्वांटिटेटिव डेटा भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकें, तो ये बना तो टेक्निक है कि आप चेंज ला रहे हैं ना। अच्छा, इसका मतलब ये होता है ना कि जब किसी भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई चेंज आएगा, ठीक है, न्यू मार्केट की तरफ जाएंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर को कम्पीट करना है या अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, तो अब आप चेंज, अच्छा, जाहिर कोई ना कोई चेंज तो आएगा, न्यू प्रोडक्ट की तरफ की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी कंपनी में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो अपोज करते हैं, क्योंकि जब भी चेंज आएंगे ना, तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स, जॉब लॉस का इशू आ जाएगा, एवरीबडी अपोज के, ये नहीं होना। तो अब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग चेंज के अगेंस्ट हैं, कितने लोग जो है चेंज के फेवर में हैं, तो उसका डेटा आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अगर चेंज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन्हें आपने कन्विंस करना है कि भाई चेंज इज नेसेसरी, अगर हम चेंज नहीं लेकर आएंगे तो मार्केट हम वैसे ही आउट होंगे, हमारा कॉम्पिटिटर जो है हमें मार्केट से इन लॉन्ग रन जो है वो आउट करता है, उससे पहले कि वो हमें आउट करे, हमें अपनी स्ट्रेटजी ये बनानी है कि हम मार्केट इसी मार्केट में रहें, मतलब जो भी है, मतलब मार्केट हमें, अगर अदरवाइज क्या होगा कि हमें कोई, हमें क्विट करनी पड़ जाएगा, इसलिए हमें चेंज कम पसंद, उसके लिए कन्विंस करना ज़रूरी होता है, तो उस, तो उसी को, उसका डेटा गेट करने के लिए वन ऑफ द फील्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस। अच्छा फोर स्पीड एनालिसिस टेक्निक ऑफ फोर स्पीड एनालिसिस फर्स्ट डेवलप्ड बाय पोर्ट लोएन इन्वॉल्व्स लुकिंग एट ऑल द फोर्सेस फॉर एंड अगेंस्ट अ डिसीजन इन वेज अप द पोटेंशियल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिसीजन बिफोर द चॉइस इज मेड द मेन पर्पस ऑफ द टेक्निक इज टू गिव मैनेजर्स एन इनसाइट दैट विल अलाउ देम टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस सपोर्टिंग इन डिसीजन एंड रिड्यूस द फोर्सेस दैट अपोज इट इन बिजनेस डिसीजंस सच एज इंट्रोड्यूसिंग A new product or service or implementing a major internal change could be analyzed used by using this approach. The technique uses the field force field diagram. This is used to represent the forces that work in favor of a major change and those that work against it. Figure 8.8 shows such a diagram for the decision to introduce a big new IT system for the administration department of a business. इस पिक्चर की बात कर, अ फोर्स फील्ड डायग्राम फॉर इंट्रोड्यूसिंग, अब एक चेंज आ रहा है कि आपकी कंपनी के अंदर आईटी सिस्टम, आईटी सिस्टम आने का मतलब है बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली होगा, जब आप बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली होगा तो बहुत सारे वर्कर की आपको ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग वर्कर है वो अपोज करेगा कि ये इस तरह का नया सिस्टम ना आए जो हमारी जॉब को डैमेज करेगा, तो अब ये लिखा है फोर्सेस टू चेंज, ये होती है ड्राइविंग फोर्सेस, ये होता है फोर्सेस अगेंस्ट, ये होता है रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस, तो अब ये उन्होंने वोटिंग कराई, ठीक है, वोटिंग कराने पे ने इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अब जो लोग फोर्सेस फॉर चेंज है तो क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही, तीन लोगों ने कहा आप इसको आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय के साथ कह लें या जो भी नंबरिंग असाइन की, इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप बहुत बेटर हो, तीन लोगों ने बताया, ठीक है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, तीन लोगों ने कहा ठीक है, इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिटी, दो पॉइंट इसके मिल गए, इम्प्रूव सप्लायर कम्युनिटी, दो पॉइंट, टोटल आपको 10 मिनट, ठीक है ना, जो जो फेवर में, जो फेवर, अब जो जो चेंज फेवर में नहीं है, जो चेंज चेंज के अगेंस्ट है, ये बोलेंगे जी कॉस्ट ऑफ आईटी एंड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा, 4 पॉइंट स्टाफ लॉसेज, यार जॉब लॉसेज होंगी, बहुत वर्कर आपको ले ऑफ करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट मिल गए, सेल्फ कंसर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, स्टाफ कंसर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, यानी स्टाफ कहेगा जी फेलियर हो जाएगा, कोई ना
स्टाफ का अपना, उसको ऑपरेट कौन करेगा, डिफरेंट इश्यूज वो रेस करेंगे, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी उसका भी नंबरिंग करती है। ओवरऑल 11 11, इसका मतलब चेंज नहीं आएगा। तो ज्यादातर लोग क्या कहें, मतलब कहेंगे कि मतलब अगेंस्ट 11 है और फेवर में 10, इसके बाद ये जरा पढ़। Conducting force field analysis. Analyze the current situation and desired situation. List all of the factors driving change towards the desired situation. List all of the constraining factors against change towards the desired situation. Allocate a numerical score to each force indicating the scale or significance of each force. 1 is equal to extremely weak and 10 extremely स्ट्रॉन्ग. अच्छा, फिर ये स्केल से, मतलब 1 to 10 के स्केल से जी ये चार्ट, नंबरिंग असाइन की। तो चार्ट द फोर्सेस ऑन द डायग्राम विद ड्राइविंग फोर्सेस ऑन द लेफ्ट एंड स्ट्रेनिंग रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द राइट. टोटल स्कोर्स एंड एस्टैब्लिश फ्रॉम दिस वेदर द चेंज इज रियली वायबल. इट इज वर्थ गोइंग अहेड. इफ यस, देन द नेक्स्ट स्टेज इज इंपॉर्टेंट. Discuss how the success of the change or proposed revision can be affected by decreasing the strength of the restraining forces and increasing the strength of the driving forces. हाँ, मतलब आपको नंबर मिल गया ना, कितने लोग अपोज में हैं, फेवर में, और आपने जो अगेंस्ट हैं उनके नंबर, अब आपने उनसे डिस्कस करना है, कन्वेंस करना है। उसके लिए आप चेंज मैनेजर को भी हायर कर सकते हैं, चेंज डायरेक्टर भी हायर कर सकते हैं, जो कन्वेंस करेगा कि चेंज कितना नेसेसरी है। अदरवाइज अगर हम चेंज नहीं लेकर आएंगे, कॉम्पिटिटर जो है हमें वैसे ही बीट कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे कॉम्पिटिटर ने तो आईटी सिस्टम लगा दिया, लेकिन हम नहीं लगा पा रहे, इससे हमारी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक, कोई भी रीजन हो सकते हैं। आप ये देखें, Possible management strategies to address the restraining forces include employees could be trained increasing cost by +1 to help eliminate fear of technology and reducing staff concern about new technology by 2 by -2. It would be important to show staff that change is necessary for business survival at a new post in favor +2. Staff would be shown that new IT equipment would introduce the new skills and interest of to their jobs. Add a new force in favor +1. Managers could raise wages to reward staff for higher productivity, increase cost +1, but reduce cost by loss of staff -2. If machines, IT machines could be selected that are more energy efficient, environmental impact of the new technology -1. These changes would swing the balance of the force field analysis from the original 11 to 10 against the 13 to 8 in favor of the decision. हाँ देखिए, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये वाला इसमें क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, ट्रेनिंग द एम्प्लॉय. जो वो जो स्टाफ कंसर्न था ना कि ऑपरेट कैसे हो, थोड़ा बड़ा हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, इससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। लेकिन उसके जो दो दो पॉइंट है ना स्टाफ का, ये यानी दो माइनस हो, तो आपने कंसर्न एड्रेस कर लिया कि हम आपको ट्रेन करेंगे, तो स्टाफ कंसर्न रिड्यूस हो गया, तो -2, एक +1 हो गया, ठीक है, लेकिन एक -2, तो ओवरऑल आपको +1 का बेनिफिट मिल गया, ठीक है ना। इट वुड बी इम्पॉर्टेंट टू शो स्टाफ द चेंज इज नेसेसरी फॉर बिजनेस सर्वाइवल। आपको मैंने बताया था, आपको ये एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा अपने प्राइस से। अगर हम चेंज नहीं लेकर आएंगे तो वर्ल्ड हमें चेंज कर देगी, या मार्केट हमें खुद चेंज कर देगी, क्योंकि हमें, अगर हम सर्वाइवल का मतलब वही ना कि अगर हम चेंज नहीं लेकर आएंगे तो सर्वाइवल पे आ जाएंगे, सर्वाइवल का मतलब है हम क्लोजर क्लोजर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ऐड अ न्यू फोर्स इन फेवर, जाहिर है एम्प्लॉय जो कन्विंस हो जाएगा, तो दो पॉइंट ये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो जो फेवर वाले पॉइंट जो आपके इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। स्टाफ कुड बी शोन दैट न्यू आईटी इंट्रोड्यूस न्यू स्किल एंड इंटरेस्ट टू देयर जॉब। अच्छा, इसमें आप ऐड अ न्यू फोर्स इन फेवर, यानी आप स्टाफ को शो करेंगे तो टेक्नोलॉजी आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो +1 आपको पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। मैनेजर कुड रेज वेजेस टू रिवॉर्ड स्टाफ फॉर हायर प्रोडक्टिविटी,
अगर मैनेजर का कंसर्न होगा तो उनसे बोला जाए कि जब आप फर्दर प्रोडक्टिव हो जाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग तो हम आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, बेटर बेनिफिट मिलेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट 1.5 का इंक्रीज हो जाएगा, बट रिड्यूस कॉस्ट बाय लॉस ऑफ स्टाफ, माइनस टू, वहाँ से माइनस टू हो जाएगा स्टाफ का कंसर्न। आई टी मशीन कुड बी सेलेक्टेड देट आर मोर एनर्जी एफिशेंट, वो जो इन्वायरमेंट का इशू आ रहा था हुँ। वो यहाँ पे डील हो जाएगा, इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी माइनस वन यहाँ से होगा। तो इस केस में क्या होगा, दीज चेंज वुड स्विंग द बैलेंस ऑफ द फोर्स फील्ड एनालिसिस फ्रॉम द ओरिजिनल, पहले 11 टन का था अब 13 और 8 का, तो मतलब फेवर पे का पॉइंट ज़्यादा हो गए और अगेंस्ट का पॉइंट कम। अब आपके पास एक क्वांटिटेटिव डेटा आ गया, नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द चेंज। ठीक है, अभी एवेल्यूशन देख लेंगे। So the evaluation of pore speed analysis. This technique is widely used in assessing strategic decisions that require major internal changes to the business. It has two main limitations as a strategic choice method. Unskilled or inexperienced managers could fail to identify all of the relevant forces involved in the change process. The allocation of numerical values to driving and constraining forces is rather subjective. Two managers independently undertaking the same force field analysis could arrive at rather different values of force and consequently propose very different decisions based on their assessments. तो इन्होंने बताया कि दिस टेक्निक इज वाइडली यूज इन असेसिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, वो जो आपने डिसीजन लेना है इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो ताकि आप मेजर इंटरनल चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसमें उन्होंने लिमिटेशन बता दी कि अनस्किल्ड और इनएक्सपीरियंस मैनेजर कुड फेल टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द रेलिवेंट एंड इन्वॉल्व इन द चेंज। तो बता रहे बहुत सारे लोग नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत बोल्ड हो जाते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होता है चेंज को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। जो जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे मतलब हैबिचुअल है काम करने के, वो न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए। फिर कह रहा है एलोकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू टू द ड्राइविंग एंड कॉन्स्टेंट वो इज रादर सब्जेक्टिव, ये टोटल सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो सब्जेक्टिव मैटर को वैल्यूएट करना डिफिकल्ट होता है। यानी ये तो आपने अपनी मर्जी के पॉइंट दिए ना, अब आपको चैलेंज कर दे कि आपने नंबरिंग किस बेस पे की, आपके पास क्या, आपके पास रीजन क्या था, बेस क्या, ठीक है ना। चेंज तो आप ले आए, कोई भी चैलेंज कर सकते हैं कि आपने नंबरिंग कैसे असाइन कर, आपने खुद से कैसे असेस कर लिया कि इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपने 3 पॉइंट दिए, आपने कैसे मतलब एलोकेट कैसे की, वेटेज कैसे निकाला, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट, इसीलिए सब्जेक्टिव मैटर हो गया, ठीक है। इसके पीछे आपके पास कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं होगा जिसकी बेस में प्रूव कर सकें हम चेंज, ये चेंज आप क्यों लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इशू ये आता है ना कि बहुत सारे लोग जब जॉब ले ऑफ हो जाएंगे कोर्ट में जा सकते हैं, तो यानी इन फ्यूचर आपने इन लीगल इश्यूज से भी बचना है, ये एक आता है इशू। ये कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं कि टू मैनेजर इंडिपेंडेंटली अंडरटेकिंग द सेम फोर्स फील्ड एनालिसिस वुड अराइव एट रादर डिफरेंट वैल्यूज फॉर द फोर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रोपोज वेरी डिफरेंट डिसीजन बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट। यानी दो मैनेजर हैं, कह रहे हैं कि दोनों मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, ठीक है, इससे कंफ्यूजन होगा, इसीलिए कह रहे हैं प्रपोज वेरी डिफरेंट डिसीजन बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट। एक अपनी असेसमेंट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव कर रहे हैं, एक नेगेटिव कर रहे हैं, तो 0+ यानी एक -1+1 0 हो जाएगा एक तरह से, तो ये इसकी एवेल्यूएशन है। अब अनदर टेक्निक है, एक और क्वांटिटेटिव टेक्निक है डिसीजन। Decision trees. Poor decision making technique can eliminate the risk involved in choosing between options, but managers can help themselves greatly if they adopt a logical approach to decision making. One method of considering all the options available and chances of them occurring is known as decision tree. This technique is based on diagram that represents four main features of a business decision. All of the options open to a manager, the different possible outcomes resulting from these options, the chances of these outcomes occurring, the economic returns from these outcomes. अभी वही वाली बात कि आपको जिस तरह फोर्स फील्ड ने आपको एक लिटल क्वांटिटेटिव मेजर प्रोवाइड किया टू इम्प्लीमेंट द चेंज ना, या टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन, तो ये बेसिकली हमारे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। तो आपने इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपके पास कोई डेटा होना चाहिए जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकें। तो वन ऑफ द टेक्निक थी फोर्स फील्ड,
जैसे हमने पढ़ा एक तो क्या नाम है, मैट्रिक्स से पढ़ा था हमने, एंसर मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है। फिर आपको मिल गया क्या कहते हैं, फोर स्पीड एनालिसिस, ये आपको समहाउ एक क्वांटिटेटिव डेटा मिल गया कि चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। और फिर आपको एक और रन दे दिया, ये जो है डिसीजन, ये भी आपको एक क्वांटिटेटिव मेजर दे रहा है कि आप अपने चेंज को जो भी आपने जो भी डिसीजन लेना है उसको इम्प्लीमेंट कर। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो डिसीजन मेकिंग टेक्निक कैन एलिमिनेट द रिस्क इन्वॉल्व इन चूजिंग बिटवीन ऑप्शन, क्योंकि आपके ऑप्शन हो गया, ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, किसी भी एक ऑप्शन को आपने अडॉप्ट करना। बट मैनेजर कैन हेल्प देमसेल्फ ग्रेटली इफ दे अडॉप्ट अ लॉजिकल अप्रोच टू डिसीजन। तो वन मेथड ऑफ कंसीडरिंग ऑल द ऑप्शन अवेलेबल एंड द चांस ऑफ अकरिंग इज नोन एज डिसीजन ट्री। तो आप एक डिसीजन ट्री बना लेते हैं, यानी एक वेटेज असाइन कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है, दैट दिस थिंग इज बेस्ड ऑन अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स फोर मेन फीचर ऑफ अ बिजनेस डिसीजन। ऑल ऑफ द ऑप्शन ओपन टू अ मैनेजर, द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम दीज ऑप्शन, द चांसेस ऑफ दीज आउटकम अकरिंग, द इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम द आउटकम, यानी इकोनॉमिकली कितना बेनिफिट। अब ये इन्होंने डायग्राम बनाई भी नीचे शायद इसको दिया हुआ है। ये है डिसीजन ट्री फॉर द फंड रेजिंग ऑप्शन। अब ये एक फंड रेजिंग ऑप्शन परफॉर्म करना है, या तो आप इंडोर परफॉर्म कर लें या फिर आउटडोर परफॉर्म, ठीक है। तो अगर आप इंडोर परफॉर्म करते हैं तो 22,000 आपकी कॉस्ट लगेगी, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है $2,000, ठीक, ये आपकी कॉस्ट लगेगी। यहाँ पे अब इसमें ना प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के अंदर एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी, जैसे हम वो सिक्का होता है ना, सिक्का ओके वो जी, टॉस टॉस करते हैं ना, तो अच्छा उसमें 50% चांस होता है कि हेड आएगा और 50% चांस होता है कि टेल आएगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ना, हर आपके हर डिसीजन के पीछे प्रोबेबिलिटी होगी, या तो आपका डिसीजन सक्सेसफुल हो जाएगा या फेलियर हो जाएगा, मतलब आप कितने परसेंट चांस है कि सक्सेसफुल हो और कितने परसेंट चांस है कि फेलियर। अब इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर वेदर फैन फाइन रहता है, अगर वेदर फाइन रहता है तो 60% चांस है कि आपके पास 5,000 कलेक्ट हो, ठीक है, अगर इंडो तो। और लेकिन बहुत पुअर होता है, ठीक है, 40% चांस, हाँ 40% चांस है, अगर वेदर बहुत ज़्यादा पुअर होगा तो 7,000 कलेक्ट होगा, और अगर फाइन होता है तो 5,000 कलेक्ट होगा। तो इसकी आगे कैलकुलेशन होती है कि 5,000 का 60% लेंगे, इन्होंने मेरे ख्याल आगे की होगी कि यहाँ पे। अच्छा ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे आना, ठीक है, पहले इसको ना पढ़ लेते हैं, पहले आप ये पढ़ लेते हैं, फिर वो अच्छा, सेल्फ ब्रेन हो जाए। बाय कंपेयरिंग द लाइकली फाइनेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम ईच ऑप्शन, द मैनेजर कैन मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व एंड टेक अ रिस्क डिसीजन बेस्ड ऑन पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। कंस्ट्रक्टिंग डिसीजन ट्रीज, द ट्री इज अ डायग्राम विद द फॉलोइंग फीचर्स। इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ईच ब्रांच ऑफ द ट्री रिप्रेजेंट्स एन ऑप्शन टुगेदर विद द रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम्स एंड द लाइफ चांसेस ऑफ दीज अपर। डिसीजन पॉइंट्स, डिसीजन नोड्स are denoted by a square. A circle chance node shows that the range of outcomes may result from a decision. Probabilities are shown alongside each of these possible outcomes. These probabilities are numerical values that measure the chances of an outcome occurring. Economic returns are the expected financial gains or losses of a particular outcome. ये उन्होंने पूरा वो प्रोसेस दे दिया कि द ट्री इज अ डायग्राम द फॉलोइंग फीचर, इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यानी आपने लेफ्ट से बनाना, पहले स्क्वायर बॉक्स बनेगा, फिर ये लाइनें लगेंगी, फिर ये सर्कल बनेगा, ठीक है, फिर इस तरह की लाइनें आपने लगा। फिर कह रहे हैं ईच ब्रांच ऑफ ट्री ट्री रिप्रेजेंट एन ऑप्शन टुगेदर विद द रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर आउटकम एंड द चांस ऑफ दीज। तो ये फाइन और पुअर ये जो प्रोबेबिलिटी असाइन कर देंगे आप। डिसीजन पॉइंट, डिसीजन नोड्स आर डिनोटेड बाय स्क्वायर, ये डिसीजन, ये जो स्क्वायर बना इसी बात कर रहे हैं। अ सर्किल चांस शो दैट अ रेंज ऑफ आउटकम मे रिजल्ट फ्रॉम, दो ऑप्शन आ रहे हैं ये सर्किल बना, या तो इधर इंडोर या आउटडोर, यानी फंड रेजिंग अगर आपने करनी है तो या तो इंडोर कर सकते हैं या आउटडोर कर सकते हैं। हाँ इंडोर करेंगे तो ये 60% 40% का 50-40 दोनों में आ रहा है,
ये दो, या इंडोर करेंगे अगर वेदर फाइन होगा तो 5,000, बोर होगा तो 7,000, अगर आउटडोर करेंगे वेदर फाइन होगा तो 10,000, बोर होगा तो 4,000। ठीक है ओके, ये तो आपने तो वैल्यू असाइन कर। फिर कह रहे प्रोबेबिलिटीज आर शोन अलॉन्ग साइड ईच ऑफ दीज, वो जो 40% 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज पॉसिबल आउटकम, दीज प्रोबेबिलिटी आर न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मेजर द चांस ऑफ एन आउटकम नथिंग। इकोनॉमिक रिटर्न आर द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन और लॉस ऑफ पर्टिकुलर, तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे, नीचे कैलकुलेशन दी थी, ये वर्किंग आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिसीजन। तो पहले ये पढ़े जरा। अच्छा, यूजिंग द डेफिनेशन बिलो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्रॉसिंग कॉइन एंड विनिंग $5, इफ इट कम्स डाउन हेड्स इज 0.5 बाय $5 इज इक्वल टू 2.50 डॉलर्स. It reflects the average return if you repeated this a number of times would be to win 2.50. The purpose of the decision tree is to show the option of who gives the highest expected value. Example, the manager of a business that organizes events has to decide whether holding a fundraising auction indoors or outdoors. The financial success of the event depends on the weather. And also on the decision whether to hold it indoor or outdoor. Table. ठीक है, ये मैंने सजेशन सारी बता दूँ। अच्छा, टेबल 8.8 शोज एक्सपेक्टेड नेट फाइनेंशियल रिटर्न्स और इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम द इवेंट फ्रॉम ईच ऑफ दीज डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. फ्रॉम पास्ट वेदर रिपोर्ट्स ऑफ फॉर ऑगस्ट देयर इज अ 60% चांस of a fine weather and 40% chance of it being poor. The indoor event will cost $2,000 to arrange. The outdoor event will cost $3,000. Achha, weather indoors, outdoors. अगर वेदर Fine. फाइन होता है तो 5,000 कलेक्ट हो जाएंगे, आउटडोर होता है तो 10,000, पुअर होता है तो इंडोर एक्टिविटी करते हैं तो 7,000 कलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज 4,000 ठीक आउटडोर। अब ये पढ़ लेते हैं। Decision tree of the event is shown in figure 8.8. It demonstrates the main advantages of decision trees. They force the decision maker to consider all of the options and variables related to a decision. They put these on an easy to follow diagram, which allows for numerical considerations of the risk and economic returns to be included. The approach encourages logical thinking and discussion among the managers. Using the diagram above, which option would give the highest expected value holding the in where event indoor or outdoors, the answer is obtained by calculating the expected value at each of the chance nodes. This is done by multiplying the profitability by the economic return for both the outcomes and adding the results. The cost of each option is then subtracted from this expected value to find the net return. This is done by working through the tree from right to left as follows. The expected value at node 1 is $5,800. The expected value of node 2 is $7,600. Subtract the cost of holding the event either indoors or outdoors. Indoors 5,800 minus 2,000 is equals to $3,800. Here outdoor is 7,600 minus 3,000 is equal to $4,600. Therefore, the events manager would be advised to hold the event outdoor as on average. This will give the highest expected value. The option, other option is blocked off with a double line in figure 8.10 to indicate this that this decision will not be taken. ये देखिए, हम पहले तो लेफ्ट को राइट जाएंगे ना, तो Sorry. 5,000 अगर हम इधर जाते हैं ऑप्शन वन की तरफ जाते हैं तो बेसिकली हम आप अच्छा कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट जो बनाते हैं वो लेफ्ट टू राइट बनाते हैं, और अब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये देखें, ये 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6, यानी अगर वेदर फाइन होता है तो हम 5,000 को 0.6 से बेसिकली हमारे पास अमाउंट कलेक्ट होगा ना वो 3,000। ठीक है, और हाँ ये 3,000 और 5,000, ये जो 3,000 ये हमें अर्न होगा और 5,000 वी हैव टू स्पेंड. नहीं, एक देखें ऑप्शन वन की तरफ जा रहे हैं ना, हमने यहाँ पे देखा था कि अगर वेदर फाइन होता है 60% चांस है कि वेदर फाइन होगा और 40% चांस है कि वेदर पुअर होगा। ठीक है ना, तो 5,000 का हम लगे निकालेंगे 60%, तो वो बनेगा 3,000। क्या बनेगा, राइट, 3,000. इन द पैरेलल ये भी कैलकुलेट करेंगे, अगर पुअर होता है तो हमारे पास 7,000 कलेक्ट होगा,
लेकिन उसका 40% मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअली आपके पास 2800 आए। तो ठीक है ना, ऑप्शन हम अभी इंडोर एक्टिविटी है, ये ऑप्शन वन क्या है इंडोर, इसमें वेदर फाइन भी हो सकता है पुअर भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अमाउंट आपके पास 3000 प्लस 28 है, कितना आ जाएगा 4800। ठीक है, कितना आ जाएगा ग्रॉस ग्रॉस अमाउंट आपका 12000 है, कितना है 12000। बारह ठीक है, लेकिन हम जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेट रिटर्न आ रहा है ना वो 5800। ठीक है, लेकिन इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे हमारी 2000 की कॉस्ट भी लग रही है, तो हमने 5800 में से 2000 माइनस कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं ये वाला। एक्चुअली आपके पास अमाउंट कलेक्ट हुआ इंडोर एक्टिविटी से वो 3800। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम ऑप्शन टू की तरफ चले जाते हैं आउटडोर फंड रेजिंग कर लेते हैं, इसमें 60% चांस अगर वेदर अगर फाइन रहता है, 60% चांस है कि वेदर फाइन रहेगा तो हमारे पास 10000 कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10000 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया एक्चुअली हमारे पास 6000। और अगर वेदर पुअर हो जाता है तो 40% चांस है कि वेदर पुअर होगा तो हमारे पास 4000 कलेक्ट। ठीक है, तो 4000 × 0.4 करेंगे तो एक्चुअली 1600 हमारे पास ही आ जाएगा। अब 6000 प्लस 1600 करेंगे तो एक्चुअली आपके पास 7600 आए। अब इसके पीछे हमें हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो 33000 है, तो 76000 में से 3000 माइनस करेंगे तो ये 4600 आए। तो अच्छा, अब जो ज़ाहिर है अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो हमें आउटडोर ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, आउटडोर जो है वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ठीक है ना, देयर फॉर इवेंट मैनेजर वुड बी एडवाइज टू होल्ड द इवेंट आउटडोर एज ऑन एवरेज दिस विल गिव द हाइएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको यहाँ पे ज़्यादा। अदर ऑप्शन इज ब्लॉक्ड, तो जिस जिस जो ऑप्शन आप चूज नहीं कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये डबल लाइन लगा देते हैं, ये लगी ना लाइन नज़र आ रही है ये। ठीक है, ये इसको हम आप चूज नहीं कर, तो जस्ट उन्होंने एक आइडिया दिया है कि फोर्स फील्ड एनालिसिस सॉरी ये क्या होता है डिसीजन ट्री को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक आइडिया, ये समझ में आया आपको। सर अब इन्होंने इसी की और एग्जांपल दी हुई मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन। The examples used above have been based on fairly straightforward decisions where only one choice had to be made. Most strategic decisions are made are more complex than this. Figure 8.12 as it is a more complex decision tree showing a construction company's strategic options for a derelict building. There are two options in slowly facing the business. The building could either be a solid sold now for $1 million or improved and updated at a cost of $0.50 million. After renovation, the building could be sold as one house. However, after renovation, another option would be to split the building into three apartments, which will cost the further $0.25 million. The payoffs from these options will depend on interest rates at the time of sale. High rates will reduce the returns in both cases. As seen in Table 8.9, based on past economic reports, the chance of interest rates being high during the sale period for the house or flats is 60%, and the chance of low rates is 40%. बेसिकली यहाँ पे ये आपको ये लिटिल कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है कि ये कह रहे हैं द एग्जांपल यूज अबव हैज बीन बेस्ड ऑन फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन एंड ओनली वन चॉइस हैड टू बी मेड, तो आप कह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है। मोस्ट स्टडीज डिसीजन आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस फिगर 8.12 मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन जॉइन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पर क्या बोलते डी रिलीक डेरिलिक्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो देर आर टू ऑप्शन इनिशियली फेसिंग द बिल्डिंग, द बिल्डिंग कुड आइदर बी सोल्ड नाउ, अभी हम इसको सोल्ड कर देते हैं फॉर $1 मिलियन और इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 0.5 मिलियन। ठीक है, एक दो ऑप्शन आ गए, आफ्टर रेनोवेशन भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, द बिल्डिंग कुड बी सोल्ड एज वन हाउस। ठीक है, आफ्टर रेनोवेशन सोल्ड करेंगे तो फिर कह रहे हैं, हाउ एवर आफ्टर रेनोवेशन अनदर ऑप्शन वुड बी to split the building into three apartments, which will cost a further 0.25 million. So, अब वो कह रहा है, the payoff from these options will depend on interest rate at the time of sale. जो
ठीक है ना, तो हाई रेट्स विल रिड्यूस द रिटर्न इन बोथ केसेस, यानी इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा तो लोग पैसा बैंक में रखेंगे, ऐसे ही तो ज़ाहिर है बिल्डिंग सेल नहीं होगी इतनी जल्दी, तो आपको वो कह रहे हैं ना, कह रहे रिटर्न इन बोथ केस, कह रहे हैं हाई रेट्स विल रिड्यूस द रिटर्न इन बोथ केस, एस सी इन फिगर टेबल 8.9, ये यहाँ पे दिया कि इंटरेस्ट रेट अगर लो होगा तो रेवेन्यू सेल ऑफ हाउस 2 मिलियन मिल जाएगा, और रेवेन्यू सेल ऑफ अपार्टमेंट 2.5 मिलियन मिल जाएगा, लेकिन अगर ये हाई होता है इंटरेस्ट रेट तो 1.5 मिलियन, और ठीक है इस केस में 0.5 मिलियन यहाँ पे कम हो गया और 0.5 मिलियन यहाँ पे कम, क्योंकि लो हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ही यही है कि पीपल डोंट हैव अमाउंट टू परचेस बिल्डिंग, तो यहाँ पे नंबर वन ऑप्शन ये था सेल नाउ, नंबर वन ऑप्शन क्या है सेल नाउ, 1 मिलियन आपको मिल अच्छा, जाएगा, तो दूसरा डबल ब्रैकेट लाइंस क्या है? अच्छा, ये वाली ये तो अभी ये तो बाद में आएगी ना, ये समझे अभी नहीं, ये अभी ये तो जब हम डिसीजन लेने जाते हैं ना, तो जो लो रिटर्न देता है ना उस ऑप्शन को हम अडॉप्ट नहीं करते ना, इसका मतलब इस ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन ये कब आएगा जब आप राइट टू लेफ्ट वर्किंग हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट तो ये पूरा बन जाएगा ना, लेफ्ट टू राइट बनेगा और राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होगा, ठीक तो ये जो डबल लाइन है ये वो ऑप्शन है जिसको आपने अडॉप्ट नहीं करना। अच्छा फर्स्ट करने उन्होंने कहा जी ऑप्शन बनेगा आप सेल लाओ तो आपको 1 मिलियन मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा है क्या रेनोवेट, तो रेनोवेट की तरफ चले गए, तो अच्छा रेनोवेट की तरफ जाते हैं तो 0.5 मिलियन आपकी कॉस्ट लगी, जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसका मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश, यहाँ पे ऑप्शन टू की तरफ चले गए, ऑप्शन टू में भी आपको फर्दर चॉइस मिल गई कि या तो इसको हाउस में कन्वर्ट कर दें या इसको फ्लैट में कन्वर्ट कर दें, अगर हम हाउस की तरफ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, ठीक कि एक तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो सकता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो सकता है, 40% चांस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा और 60% चांस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। अच्छा इन्होंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो होगा तो 2 मिलियन आपको मिल जाएगा और अगर हाई होगा तो 1.5 मिलियन, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से ठीक है, और 1.5 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, अब यहाँ जो अमाउंट इन्होंने लिखे भी नहीं लेकिन जो भी अमाउंट आएंगे उन सब उन दोनों का टोटल 1.7 मिलियन आ रहा है, क्या आ रहा है 1.7, यानी अगर आप 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर है आपके पास नहीं सर मोबाइल है, जी, नहीं सर चलो बाद में देख जी लेंगे, पहले मैं ये बता रहा हूँ 2 मिलियन को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पीछे किया था ना हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, ये जैसे यहाँ पे भी 5,000 इंटू 0.6 हो रहा तो ये 3,000 आ गया, और 700.4 किया तो 28,000, यहाँ वाले अमाउंट इन्होंने लिखे नहीं है ठीक है, सर बराबर यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इन दोनों का बाद में क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल करते हैं, इन दोनों का तो इन दोनों टोटल जो आएगा ना वो 1.7 मिलियन आएगा, यानी अगर आप हाउस रेनोवेशन में अगर हाउस में कन्वर्ट करते ठीक है तो आपको रिटर्न आएगा 1.7 मिलियन, लेकिन एक ऑप्शन आपका और भी है कि आप इसे फ्लैट में कन्वर्ट कर दें ठीक है, तो उस केस में 2 पॉइंट और यानी 40% चांस है रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो आपको 2.5 मिलियन मिल जाएगा, और अगर हाई होता है तो 2 मिलियन मिल, 2.5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी अमाउंट आएगा, 2 मिलियन को 0.6 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा, इन दोनों जब ऐड करेंगी ये 2.2 मिलियन आएगा, तो अगर इस ऑप्शन पे जाएं रेनोवेशन के ऑप्शन में जाएं तो हाउस को आप डिस्कार्ड कर, ये देखिए डबल लाइन लगी हुई क्योंकि यहाँ पे 1.7 आ रहा है, लेकिन अगर आप 2.2 में से 0.25 माइनस भी कर दें तो आपके पास नेट गेन 1.95 आ रहा है, अब 1.95 इज ग्रेटर देन 1.7, इसलिए अगर रेनोवेशन में अगर हम जाएंगे तो इसको अपार्टमेंट में कन्वर्ट करके सेल करें, अच्छा इसमें से अच्छा अगेन 1.95 में से भी 0.5 माइनस करें रेनोवेशन के जो चार्ज, एक्चुअली आपका 1.45 आ रहा है, 1.5, अब ये 1.45 इज ग्रेटर देन 1 मिलियन यानी सेल नाउ, तो इसका मतलब है सेल नाउ को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे डबल लाइन लगा के, तो ये हमारे पास तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसे रेनोवेट करें अपार्टमेंट में कन्वर्ट करें और फिर सेल करें, ये है। क्विकली इसको खत्म कर लेते हैं ये अब आप अच्छा, The boring rule of working from right to left is calculating expected values is relevant.
With these more complex examples, the calculation must now be divided into two stages. The expected values of selling either the house or the apartment must be worked out, taking the additional conversion cost of the apartments into the account. The values of the two initial options can be compared using the higher of the two outcomes from the second iteration, which offers a better return, the immediate sale or the investment in the this building. तो वही जो At भी हमने एवेल्युएट कर लिया ना, ये कौन सा ऑप्शन पे ऑप्शन वन Node 3, the expected value is 1.7 million. At Node 4, the expected value is 2.2 million. From this, must be subtracted the additional apartment conversion costs of 0.25 million to leave 1.95 million. Verify these results with your own calculations. The apartment options is prepared to selling as one house. This is the return that is taken back to Node 2. Now subtract the renovation cost of the building from this return to give the overall net return of not selling the building immediately. This is compared with the $1 million from the sale of the building now. It is clear, based on quantitative issues alone, that the business would be advised to both develop the building and convert it into apartments. Therefore, working from right to left, the highest expected value at Node 1 becomes 1.45 million obtained from the apartments options. ये सारी वो डिस्क्रिप्शन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये वैल्यूएशन पे आ जाइए। Evaluation of decision trees. The potential limitations of this technique are accuracy of the data used. Estimated economic returns may be quite accurate when the concerned projects where experience has been gained from similar decisions. In other cases, they may be based on forecasts of market demand or estimates the most likely financial outcome. The possible inaccuracy of this data makes the results of decision tree analysis no more than a useful guide for managers. Probabilities of events occurring may be based on the past data, but circumstances may change. For example, that what was a successful launch of a new store last year may not be repeated in another location if the competition has opened a shop there first. Decision trees aid the decision-making processes, but they do not replace either the considerations of risk or the impact of non-numerical qualitative factors on a decision. The latter could include the impact on the environment, attitude of workplace, or the approach to risk taken by managers and owners of the new business. There may be preference for fairly certain but low returns rather than taking risks to earn much higher greater rewards. The expected values that are average returns, assuming that the outcomes occur more than the account. With any single one-off decision, the average will not, in fact, be the final result. Decision trees allows a quantitative consideration of future risks to be made, but they do not eliminate those risks. तो ये बता रहे हैं कि आपको फाइनेंशली या मॉनेटरी वैल्यू कितनी गेन हो सकती है, जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, ठीक है, नई मार्केट में एंटर हो रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी आप कोई भी ऑप्शन आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इसका इकोनॉमिक रिटर्न आपको बता रहे हैं, लेकिन जो उससे रिलेटेड रिस्क है उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये ऑप्शन हमारे लिए वायबल है या नहीं। एक टूल है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प आउट करती है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू टेक इट। आपको कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, ठीक है।